आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है हितेन। मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। आज हम आए हैं लॉन्च इवेंट पे। जी हाँ, नासिक में लॉन्च इवेंट हो रहा है वसंत टोयोटा में। जी हाँ, टोयोटा की यारिस जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, गाड़ी अभी लॉन्च हो रही है यहाँ पे शोरूम में। हालांकि गाड़ी काफी पहले लॉन्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गाड़ी का लॉन्च इवेंट दिखाऊंगा। गाड़ी किस तरह से लॉन्च हुई, गाड़ी का हम वॉक अराउंड लेंगे कि गाड़ी में क्या क्या नए नए फीचर्स आए हुए हैं, और गाड़ी का फुल रिव्यू हम जल्दी ही अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए, हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ, काफ़ी इंतज़ार के बाद टोयोटा ने अपनी यारिस लॉन्च कर दी है। जी हाँ, इस प्रोडक्ट में टोयोटा ने अपना पूरा बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है, और जो भी दिखता भी है आप देख सकते हैं, फ्रंट लुक गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एरोडायनेमिक इसे बनाया गया है। तो चलिए इंटीरियर की बात करें, तो जी हाँ, गाड़ी का इंटीरियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर स्टेयरिंग की बात करो तो स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छा दिखता है। गाड़ी में माउंट्स कंट्रोल है, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं मैं अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर इसके MID की बात करूँ तो यहाँ आपको कलर MID मिलता है, जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एवरेज, टोटल एवरेज, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो चलिए इसके सेंटर कंसोल की बात की जाए, तो वहीं अगर सेंटर कंसोल की बात करूँ तो सेंटर कंसोल भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा डिज़ाइन किया है। जी हाँ, टोयोटा जानी जाती है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, और वही चीज़ पे दिखाई देता है। तो चलिए इसके टच स्क्रीन की बात करूँ तो टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव यहाँ पे ठीक ठाक आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर टच स्क्रीन को ऑल ब्लैक किया गया होता तो काफ़ी अच्छा दिखता। अगर नीचे की तरफ जाए तो वहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, AC वेंट्स से रिलेट कंट्रोल, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। टच एंड फील में काफ़ी अच्छा पियानो ब्लैक आपको फिनिशिंग मिलेगी, AC वेंट्स पे काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर्स गाड़ी में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे आपको नीचे की तरफ हैंड ब्रेक मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको टच एंड फील देता है। जी हाँ, गाड़ी की क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर इसके लेदर की बात की जाए तो। और जी हाँ, वहीं टच एंड फील के बारे में बात करें तो टच एंड फील गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी यूज़ की गई हुई है। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। जी हाँ, रेयर साइड में काफ़ी अच्छा आपको जगह मिल रहा है गाड़ी में, जी हाँ आप देख सकते हैं। और वहीं अगर ऊपर की बात करूँ तो जी हाँ, अगर AC वेंट, रेयर AC वेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ, गाड़ी में रेयर AC वेंट्स दिए गए हुए हैं, जो आपको ऊपर की तरफ माउंट किए हैं। तो जी हाँ, इस लॉन्च इवेंट पे मैं इस गाड़ी के बारे में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो यारिस के टोटल रिव्यू के ऊपर रहेगा। जी हाँ, इसके गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में क्या है, गाड़ी में क्या नए फीचर्स है, गाड़ी का प्राइस कितना है, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब इसका मैं फुल रिव्यू लेके आऊँ, फुल डेप्थ रिव्यू, तब आपको इसका फुल डिटेल हम देंगे।